वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के वर्ल्ड T20 2022 के फुल स्क्वाड के बारे में। T20 वर्ल्ड कप 2022 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक खेला जाने वाला है और इस बार T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड ने कभी भी वर्ल्ड T20 नहीं जीता, लेकिन हमेशा एक कंसिस्टेंट टीम रहे है। लास्ट ईयर भी वो लोग रनर्स अप बने थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपकमिंग वर्ल्ड T20 के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। इस 15 मैन स्क्वाड में रहने वाले बैट्समैन की बात करें तो वो है कैप्टन केन विलियमसन, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। मार्टिन गप्तिल जो कि एक राइट हैंडेड बैट्समैन है और टीम के ओपनर रहेंगे। फिन एलन ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है, ये भी ओपनिंग करते हैं। न्यूजीलैंड के स्क्वाड में रहने वाले विकेट कीपर्स की बात करें तो वो है डेवॉन कॉनवे, ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो कि ओपनिंग करते हैं। ग्लेन फिलिप्स ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। न्यूजीलैंड के स्क्वाड में वर्ल्ड T20 2022 के लिए ऑलराउंडर्स है बैटिंग ऑलराउंडर जेम्स नीशम, ये एक लेफ्ट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। बॉलिंग ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर, ये एक लेफ्ट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। बैटिंग ऑलराउंडर डैरिल मिचेल, ये एक राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। बैटिंग ऑलराउंडर मार्क चंपन, ये एक लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। बैटिंग ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल, ये एक लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। वर्ल्ड T20 2022 के लिए न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स है लेग स्पिन बॉलर इंदरबीर सिंह सोधी जो कि लेग ब्रेक बॉलिंग किया करते हैं। आखिरकार न्यूजीलैंड के पास रहने वाले तेज गेंदबाजों की बात करें तो वो है फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट जो कि एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। फास्ट बॉलर टीम साउथी जो कि एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर लोकी फर्गुसन, ये एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है। और आखिरकार एडम मिलने, ये भी एक राइट आर्म फास्ट बॉलर ही है। क्या न्यूजीलैंड का ये बेहतरीन स्क्वाड चैंपियंस का टाइटल अपने नाम कर पाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके हिसाब से कौन सा प्लेइंग 11 बेस्ट रहेगा कमेंट्स कीजिए। हो सके तो प्लीज इस वीडियो को एक शेयर कीजिए और आखिरकार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।